आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन में मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर प्रदेश के अंदर अनेक योजनाओं का, ट्रेड प्रमोशन सेंटर का शिलान्यास, रायबरेली, मऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़, महोबा में औद्योगिक संस्थान, एमएसएमई के क्लस्टर पार्क योजना के अंतर्गत इनके शिलान्यास का कार्यक्रम, कौशाम्बी गोंडा में सीएफसी का शिलान्यास और मिनी औद्योगिक स्थान के रूप में बिल्लौर, कानपुर, बसरावा, रायबरेली, अयोध्या का उच्चीकरण समेत अनेक अन्य कार्यक्रमों का शिलान्यास भी आज संपन्न हो रहा है। इन सभी योजनाओं के लिए विभाग को धन्यवाद देते हुए सभी संबंधित जनपदों के सभी उद्यमियों को, नए उद्यमियों को हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज यहां पर हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान और ओडीओपी योजना के तीन तीन जो हमारे हस्तशिल्पी और कारीगर थे उनको भी यहां सम्मानित किया गया है। मैं इन्हें भी हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में पहली बार 21 सितंबर 2023 से 25 सितंबर 2023 तक इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन ग्रेटर नोएडा के इंडिया इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर में संपन्न हुआ था। उसकी सफलता एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रही थी और एक ही जगह में उत्तर प्रदेश के अंदर की पोटेंशियल को प्रदर्शित करने का इतना सशक्त मंच मिल पाया था। पहली बार 500 से अधिक फॉरेन बायर्स वहां उपस्थित हुए थे, 70,000 की संख्या में तमाम अन्य लोगों ने वहां सहभागिता की और 3,00,000 से अधिक तो केवल और केवल वहां देखने वाले लोग आए थे। आज उसी का परिणाम है कि हम जब यहां पर कर्टेन रेजर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं कि फिर से 25 से 29 सितंबर के बीच में उत्तर प्रदेश के इस संभावित क्षमता का प्रदर्शन वैश्विक समाज के सामने हम फिर से कर सकें, इस दिशा से स्वयं इंडिया एक्सपो मार्ट के अध्यक्ष श्री राकेश कुमार जी भी स्वयं आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। वास्तव में उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी, कारीगर और युवा उद्यमियों के पास क्षमता थी, लेकिन उनको शासन के प्रोत्साहन और प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी। आज जब डबल इंजन की सरकार उसमें कार्य करना प्रारंभ कर रही है तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। बहनों और भाइयों, यही उत्तर प्रदेश है जिसमें सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों की विरासत के रूप में हमारे पास सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम के अनेक ऐसी इकाइयां, छोटी बड़ी इकाइयां हमारे पास मौजूद थी, लेकिन लगातार सरकारी उपेक्षा के कारण, इंस्पेक्टर राज के कारण ये त्रस्त थी, प्रताड़ित थी, प्लान करने के लिए मजबूर थी, बंद होने के लिए मजबूर थी। 2018 में उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी योजना प्रारंभ की, परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहन करने का कार्य किया, उसके लिए मार्केट देने का काम किया, उसके टेक्नोलॉजी के साथ उसे जोड़ने का काम किया, तमाम अन्य प्रकार से प्रोत्साहन दिए, सीएफसी निर्माण की प्रक्रिया को तेज बढ़ाया,
आज उत्तर प्रदेश की यह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना पूरे देश के अंदर यह एक यूनिक योजना बन चुकी है और पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला जो योजना बन रही है उनमें से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक प्रमुख योजना है। उत्तर प्रदेश को इस पर गौरव की अनुभूति है और हम प्रधानमंत्री मोदी जी को इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के लिए हृदय से आभार भी व्यक्त करते हैं। आज हमारे यहां वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप हमारा जो युवा उद्यमी है जो पहले हताश और निराश था आज उत्साहित है। मैं किसी भी जिले में जाता हूं, ओडीओपी की एग्जीबिशन देखता हूं और जब मैं वहां पे अपने उन उद्यमियों से बातचीत करता हूं तो उनके चेहरे खिले होते हैं। पहले जो बुझे हुए चेहरे थे, हताश था, निराश था, आज उनके चेहरे पर एक चमक दिखती है कि साहब हमारे लिए एक स्पेस है, हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट भी वैश्विक कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार करेगा, उस प्रतिस्पर्धा के लिए अपने आप को तैयार करेगा और वह आज देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़ा है, 86,000 करोड़ से बढ़कर के लगभग 2,00,000 करोड़ हो गया है। यानी ये चीजें दिखती हैं, ये थोड़े से प्रोत्साहन की आवश्यकता थी और अब प्रोत्साहन विभाग से दिया गया, परिणाम आज हम सबके सामने है। इसने रोजगार के अवसर भी सृजित किए, अनेक लोगों को रोजगार मिला, लाखों लोग समाहित हुए। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान जो आज पीएम विश्वकर्मा के रूप में एक राष्ट्रीय योजना बन चुकी है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना, इसमें भी हम लोगों ने अपने परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रशिक्षण और टूल किट के साथ जोड़ करके उन्हें पीएम विश्वकर्मा पीएम मुद्रा योजना के साथ, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के साथ, तमाम अन्य योजनाओं के साथ जोड़ करके बैंकों से उन्हें जोड़ने का काम किया। 75,000 से अधिक ऐसे जो कारीगर थे, नाव के रूप में, धोबी के रूप में, मोची के रूप में, हलवाई के रूप में, कारपेंटर के रूप में, राजमिस्त्री के रूप में, जो लोग काम करते थे परंपरागत, उनके पास हुनर थी, परंपरा से चली आ रही थी, हताश था, निराश था, सरकार का कोई प्रोत्साहन नहीं था। आज पीएम विश्वकर्मा भी और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना भी उनके लिए उपलब्ध है और बैंकों से लोन भी मिल रहा है। 75,000 से अधिक लोगों को टूल किट के लिए उत्तर प्रदेश ने उपलब्ध करवा दिया है। आज देखता हूं मैं जब वे लोग खुशी के साथ कार्य करते हैं, महिलाओं को टूल किट उपलब्ध हो रहे हैं, मशीनें उपलब्ध हो रही हैं, ई रिक्शा उपलब्ध हो रहा है। यूपी की तीसरी योजना चली आई है वह निजी औद्योगिक संस्थान विकसित करने के लिए फ्लैश पार्क की स्कीम कई जनपदों में स्थापित हो चुकी है, कुछ का शिलान्यास आज हुआ है। 10 एकड़ से लेकर 50 एकड़ क्षेत्रफल में सरकार के इंसेंटिव के साथ स्थापित होने वाले निजी औद्योगिक पार्क यह उत्तर प्रदेश के नए औद्योगिक क्रांति की ओर प्रदर्शित करता है और यह एक सफलतम योजनाओं में से एक है। और इन सभी को बुस्टअप करने के लिए, बैकिंग करने के लिए कहीं कोई कमी रह जाएगी तो उसके लिए हम लोगों ने इस बजट में प्रावधान कर दिया है। सीएम युवा उद्यमी योजना